भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और अमेरिका की उनकी जोड़ीदार क्रिस्टीना मैकॉल WTA 2050 टेनिस टूर्नामेंट में उप विजेता रही। क्लीवलैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में सानिया क्रिस्टीना को शुहो आयोमा और एना शिभारा की शीर्ष वरीय जोड़ी के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। भारतीय दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना को फाइनल में जापान की जोड़ी के खिलाफ 1 घंटे और 24 मिनट में 5-7, 3-6 से हार मिली। सत्र के पहले फाइनल में जगह बनाने के लिए सानिया को 180 रैंकिंग अंक और $3,000 की राशि मिली। सानिया और क्रिस्टीना ने पहले सेट में कुछ संघर्ष किया, लेकिन जापानी जोड़ी ने इस सेट को 7-5 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद दूसरे सेट में भी भारत अमेरिका जोड़ी को 3-4 से हार मिली, जिसके खिताब जीतने का उनका सपना टूट गया। आपको बता दें, सेमीफाइनल की जीत के बाद सानिया अपने बेटे इज़हान के साथ स्टेज पर नजर आई थी। उन्होंने जीत के बाद कहा कि दुनिया भर की औरतों को आज एक संदेश गया है कि वो माँ बनकर कुछ भी कर सकती हैं। बेटे को हाथ में थामे सानिया ने कहा, मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ माना जाता है कि माँ बनने के बाद एक औरत का करियर खत्म हो जाता है। मैं उन्हें ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि माँ बनना अंत नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी ट्यूनिशियाई जोड़ीदार उन्स ज़बूर पहले दौर में हार कर मुकाबले से बाहर हो गई थी। 1 घंटे 5 मिनट तक चले मुकाबले में सानिया मिर्जा और उन्स ज़बूर की जोड़ी रूस की वेरोनिका कुंडरमेतोवा और कजाकिस्तान की एलिना रबाकिना की जोड़ी के खिलाफ 5-7, 2-6 से हार गई। सानिया मिर्जा भारत की सबसे कामयाब टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ग्रैंड स्लैम जीते। साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में वो मेडल जीतने के करीब पहुंची थी, लेकिन चूक गई थी। इसके बाद साल 2018 में वो मां बनी और 2 साल तक टेनिस कोर्ट से दूर रही। उन्होंने इस बार विशेष रैंकिंग के आधार पर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था।